बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद डोनाल्ड बिस्ट ने दिया इंटरव्यू। क्या सब कहा डोनाल्ड ने, आइए जानते हैं। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी कल रात को डोनाल्ड बिस्ट को बिग बॉस के घर से बेघर कर दिया गया और फिर अब डोनाल्ड बिस्ट ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड बिस्ट ने बिग बॉस के घर के कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ने ये भी कहा था कि शो में फराह खान आई थी। फराह ने सभी कंटेस्टेंट को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग भी दी। डोनाल्ड का कहना है कि उनका एविक्शन अनफेयर है। फराह खान के रैंकिंग के हिसाब से डोनाल्ड और विधि को एकदम लास्ट में रखा गया था और यही दोनों एविक्ट हुए। डोनाल्ड ने ये भी कहा कि पहले ही कंटेस्टेंट के दिमाग में ये बात डाल दिया गया था कि डोनाल्ड और विधि का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और इसलिए सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर इन दोनों को बेघर किया। डोनाल्ड ने तेजस्वी प्रकाश की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी हमेशा से उनके पीछे पड़ी थी। तेजस्वी को डोनाल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोनाल्ड का कहना है कि शो को चाहिए कंटेस्टेंट जबरदस्ती लड़े, झगड़े, ड्रामा क्रिएट करे, जो कि डोनाल्ड नहीं कर सकती और इसलिए उन्हें जानबूझकर शो से एविक्ट किया गया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पे? आपको क्या लगता है, क्या वाकई डोनाल्ड बिस्ट को जानबूझकर शो से निकाला गया? कमेंट कर हमें बताएं। बिग बॉस 15 के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो